बहुत दिनों के बाद आप बहुत दिनों के बाद क्या कहना चाहोगे मतलब क्या कहने का तुम्हारा मतलब क्या पहले मुझे ये समझो पार्टी करने बहुत खुश हो गए मुझे देख के अरे ये तुमने पिछली बार भी नाटक किया था बर्थडे भी सच्ची बता बर्थडे है हैप्पी बर्थडे टू यू चलो पूछो क्या कहना चाहोगे आज पार्टी धमाल होने वाली है IWM के द्वारा क्या कहना चाहोगे सी एक इवेंट होता है जब तो अच्छा लगता है कि आपके यू नो फ्रेटर्निटी के लोग मिलते हैं आपसे ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं तो मेरे लिए वही एक्साइटमेंट है कि सारे मेरे जानने वाले मिलेंगे मुझे यहाँ पे और एक दो लोग मिल भी चुके हैं वहीं पर ही एंट्री करते हुए ओके ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करा है तुम लोग सवाल करो पलक जी ये साल की अगर मैं बात करूँ बहुत शानदार साल रहा है आपके परिवार के लिए भी काफ़ी अच्छा साल रहा है 2024 किस तरह से आपका परिवार और आप किस तरह से देख रहे हो 2024 भी सी हर साल मेरे लिए सरप्राइज होता है और मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ हम इंसान होने के नाते सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि हमारा आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो और ये दुआ मैं अपने लिए अपने फैमिली के लिए और सबके लिए करती हूँ कि आने वाला साल बहुत अच्छा हो जितने जिसकी तकलीफ़ें हैं वो सब खत्म हो एंड मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि 2024 बहुत अच्छा होने वाला है सबके लिए लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही हैं श्रीकांत सर छोड़ रहे हैं शो क्या है बात अगर आप बता सकें उन्होंने उनके कैरेक्टर को लेकर काफ़ी खबर आ रही है ट्वीट कर दिया है उन्होंने क्या कहना चाहोगे होता है सर ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टर्स समझ में नहीं आते जब साइन होते हैं तब बहुत एक्साइटमेंट होती है लेकिन जब शूट करते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ में आता है कि ये वो नहीं है जिसकी हमें यू नो तलाश है एज एन एक्टर तो ये वो चीज़ है बस वो तो माशाल्लाह हर लुक में अच्छा लगता है थैंक यू जनता बढ़िए हेलो क्या